कलावा येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां मनुबध्नामि रक्षम माचल माचल। इस मंत्र के साथ बंधने वाले कलावा या मौली को त्रिशक्त ब्रह्मा विष्णु और महेश का प्रतीक तथा भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। रक्षा सूत्र या मौली कच्चे धागे से बनी होती है जो तीन या पांच रंग के धागे को मिलाकर बनती है। तीन रंग के कलावे त्रिदेव तथा पांच रंग के कलावे को पंचदेव का रूप माना जाता है। मौली का शाब्दिक अर्थ सिर या सबसे ऊपर होता है। कलाई पर बंधने के कारण इसे कलावा कहा जाता है तथा मौली का वैदिक नाम उपमणि बंध है। कलावे को अपने हाथ की कलाई के साथ किसी शुद्ध वस्तु पर भी बांधा जाता है जिससे हमारे जीवन में सदैव सुख शांति बनी रहती है। एवं शास्त्रों के अनुसार मौली पहनने से ग्रहों को मजबूती मिलती है। ऐसी मान्यता है कि कलावा बांधने की परंपरा की शुरुआत देवी लक्ष्मी जी और राजा बलि जी ने की थी, जिसके बाद से लेकर आज तक मौली बांधने की परंपरा हिंदू धर्म में निहित है। कलावे से जुड़ी इन बातों का सदैव रखें स्मरण। कलावा को हाथ की कलाई पर बांधने से माता सरस्वती जी, माता लक्ष्मी जी व माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त होती है। मौली को कलाई के साथ साथ कमर और गले पर भी बांधा जाता है। अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान के स्थान पर भी कलावे को बांधा जाता है तथा मनोकामना पूर्ण होने पर इसे खोल दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार विवाहित स्त्रियों को बाएं हाथ में तथा अविवाहित कन्याओं व पुरुषों को दाएं हाथ पर कलावा बांधना चाहिए। अपने जिस हाथ पर कलावा बांध रहे हैं उसकी मुट्ठी बंद कर लें। मौली को किसी भी स्थान पर सिर्फ तीन बार ही लपेटना मंगलमय माना जाता है। किसी पर्व के अलावा मंगलवार तथा शनिवार को रक्षा सूत्र बांधना शुभ माना जाता है।